महिला आरक्षण बिल पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल विधानसभा में एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप जी। रीना कश्यप जी, आपके लिए धन्यवाद। आरक्षण बिल संसद में चर्चा में चल रहा है, अगर बिल पास होता है तो भविष्य में इस निर्णय को किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं इस विषय में कहना चाहूँगी कि बहुत लंबे समय से एक मांग भी है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय और आने वाले समय में जहाँ पर लगता था कि महिलाएं काफ़ी पीछे हैं और महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और ये महिलाओं के लिए मान सम्मान की बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं जो महिला है वो समाज की आदि आबादी है और इस आबादी को समानता का अधिकार अगर मिलेगा। आंकड़े बताते हैं कि 22 महिलाएं विधानसभा में शामिल होगी अगर बिल पास होता है तो महिलाओं का इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो विधानसभा में होगा, महिलाएं किस प्रकार से इस सारे निर्णय को? देखिए, बहुत लंबे समय से कि आरक्षण होना चाहिए और जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि विधानसभा में 23 महिलाएं जो आने वाले समय में दिखेगी और ये दिखनी भी चाहिए क्योंकि महिलाएं बहुत ईमानदारी से जो भी उनको दायित्व देती है बहुत अच्छे ढंग से निभाती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी महिला आगे होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा एक अवसर महिलाओं के लिए है और मैं तो केंद्र सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से देश की और प्रदेश की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा में आपकी असली दिखाती है कि महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, आप अपने पक्ष को यहाँ किस तरह से रख रही हैं और पछात विधानसभा क्षेत्र जो एक महिला के लिए जीत हासिल हुई है तो किस तरह से देखती हैं और वहाँ के मुद्दे किस प्रकार से? देखिए, पछात विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ बहुत से मुद्दे आप अभी देखिए, अभी भारी बरसात के कारण बहुत नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों के साथ पक्षपात हुआ है, उस विषय में आज चर्चा होगी। अपनी विधानसभा की जितनी भी मेन जो डिमांड से मुद्दे हैं वो विधानसभा सदन में बहुत मजबूत तरीके से रखे जाएंगे और जो हमारे संस्थान जो कि हमारे डी नोटिफाई हुए हैं उस विषय में हम बात करेंगे तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।